हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनी फैमिली के साथ सुरक्षित होंगे। आज की रीडिंग होने वाली है बहुत ही ख़ास, क्योंकि आज की रीडिंग बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड रीडिंग रही है। तो चलिए बिना किसी डिले के शुरुआत करते हैं आज की रीडिंग और जानने की कोशिश करते हैं कि इस वक्त आपके पर्सन आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं। चलिए जब तक हम कैंडल ब्लो करते हैं, आपको अपने पर्सन का नाम लेना है और उनकी एनर्जी से हम कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज की रीडिंग की, लेके एंजल्स का नाम। अपने पर्सन का नाम लेते रहिए, रीडिंग को प्यार देके ज़रूर जाइएगा। अपने पर्सन का नाम लेते रहिए, इस रीडिंग को प्यार देना मत भूलिएगा। मुझे और किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, अगर आप सपोर्ट करेंगे आप इस फैमिली का पार्ट बनेंगे। बस रीडिंग की फीडबैक देते रहिए, वीडियो को एक लाइक दे दीजिए ताकि इससे मुझे अप्रिसिएशन मिले, बस इतना ही चाहते हैं और कुछ भी नहीं। चलिए एंजल्स का नाम लेके शुरुआत करते हैं। ऐसा लग रहा है कि इस वक्त आपके पर्सन किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा खुश महसूस कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये जो इंसान है ना कहीं काफ़ी समय से दुखी रहे हैं और इनके मन में आपको लेके बहुत ज़्यादा परेशानियाँ इस वक्त चल रही हैं। पर हम इनकी पहले खुशी का कारण जानेंगे, फिर देखेंगे कि ये पर्सन आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा क्यों लग रहा है कि इनके घर पे कोई बच्चा हुआ है या कोई था जिसका बेबी होने वाला था, अब वो हो गया है, तो फाइनली यहाँ पे खुशी की बात हो रही है। समथिंग रिलेटेड टू न्यू बॉर्न मुझे नज़र आ रहा है। तो हर कोई, हो सकता है कि इस टाइम पे इनके घर पे कोई फेस्टिवल मनाया जाता हो, या ये हो सकता है कि इनका खुद का बर्थडे हो, जिसकी वजह से ये पर्सन बहुत ही खुशनुमा मतलब माहौल में नज़र आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि पूरी फैमिली है जहाँ पर ये पर्सन सेलिब्रेट कर रहे हैं। पर यहाँ पे मैं एक वर्ड यूज़ करना चाहूँगी कि ये पर्सन बहुत फेक इमोशंस दिखा रहे हैं। मुझे लगता है कि ये जो आपके पर्सन हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है किस चीज़ में। ये एक्सपर्ट है कोई भी चीज़ को फेक करने में। मतलब कि अगर ये अंदर से बहुत ज़्यादा उदास है तो ये आपको ऐसा दिखा सकते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा खुश हैं, और अगर ये पर्सन अंदर से बहुत ही ज़्यादा खुश हैं तो कभी कभी हो सकता है ये दिखा सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा दुखी है। तो मुझे लगता है कि आपके पर्सन ने इस चीज़ में बहुत ज़्यादा महारत हासिल कर रखी है। ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे आप दोनों ही बहुत ही ज़्यादा गलत फहमी का शिकार हुए हो। ऐसा लग रहा है कि जैसे ही आपका साथ छूटा है, इस पर्सन ने बहुत ज़िंदगी की मौज उड़ाई है। मुझे लग रहा है कि आप थर्ड पार्टी के बारे में पूछ रहे हो। यहाँ पे थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, पता नहीं कितनी पार्टीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है। बहुत मिक्स ऑफ एनर्जी है, बहुत मिक्स एनर्जी है। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई खुला सांड हो गया है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि किसी को कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है। ठीक है, जैसे कि ये अपनी लाइफ में जो चाहे कर सकते हैं, या तो जैसे कि तुम पिंजरे से जैसे किसी ने कोई आज़ाद कर दिया हो। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि ये इंसान उन्हीं के साथ रहना पसंद करते हैं। इस वक्त मैं देख रही हूँ शायद इनकी कंपनी उन लोगों की है जहाँ पे उनकी कोई गलतियाँ नहीं निकाल रहा है, जहाँ पे उनको सब कह रहे नहीं 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 तुम बहुत अच्छा, तुम तो बहुत सही कर रहे हो, या फिर हाँ भाई अभी मज़े लेने हैं, सारी चीज़ें करनी है। जेंडरलेस रीडिंग मैं आपको बता दूँ, ठीक है, तो मुझे लगता है कि इनके आसपास वाले लोग इनको इतना ज़्यादा हर चीज़ के बारे में पुश कर रहे हैं कि अगर ये ना भी चाहें उस एनर्जी में ये आ जाते हैं जहाँ पे ये सब कुछ ट्राई करना चाहते हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि इनके पास कुछ ही टाइम है, अगर ये मैरिड नहीं है तो अभी इनको सारे के सारे मज़े करने हैं, अभी इनको सब कुछ अपनी लाइफ को जीना है, अदरवाइज़
आगे पता नहीं कल हो ना हो और ना ही इनको कभी टाइम और मौका मिले। तो ऐसा लग रहा है उस चक्कर में इस पर्सन ने इतनी ज़्यादा गलतियाँ की है कि क्या बताएं, बहुत गलतियाँ की हैं इस पर्सन ने। मुझे ये लगता है कि ये पर्सन जब जब आपके साथ रहे हैं, इन्होंने आपको एक बहुत ही कीमती प्रॉपर्टी मानी है, एक बहुत ही कीमती चीज़ मानी है, कीमती इंसान माना है कि आप इनके पास रहो, आप इनको खुश रखो और ये बस आपको संभाल के रखे एक कोने में। पर ये कभी भी मत समझना इस पर्सन के पास और लोग नहीं थे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके बोलने पर इस पर्सन ने अगर किसी को छोड़ा है, या तो ये मान लो कि आपके बोलने पर इस पर्सन ने किसी को अवॉइड किया है, तो यकीन मानो ये पर्सन ना बहुत ही मौका ढूंढ रहे थे इस चीज़ का कि जैसे ही मौका मिले मौके पे चौके मार दें, जैसे ही मौका मिले मतलब सबसे बात करनी है। ठीक है, हो सकता है कि ये पर्सन जब आपसे मिलने को आ रहे हो तो ये सबूत मिटाने की कोशिश मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, सबूत मिटाने की कोशिश। हो सकता है कि आपने इनको कभी रंगे हाथों पकड़ा भी हो, जो इस पर्सन को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इनको ऐसा लगता है कि जो ये कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं और इनको रोका ना जाए, क्योंकि अगर रोक टोक होती है तो इस पर्सन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ऐसा लग रहा है कि ये बोलना चाह रहे हैं आपसे कि ये कोई चीज़ गलत नहीं कर रहे हैं, कोई गलत कदम नहीं उठाएंगे, बस जो इनको करना है वो इनको करने दिया जाए। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है कि जो ये करना चाहते हैं करने दिया जाए, किसी भी टाइप की मतलब ये रोक टोक नहीं चाहते हैं। इस पर्सन की करंट एनर्जी ऐसा लग रहा है कि ये कोई ऐसे इंसान नहीं है जो खुली किताब की तरह है, पर मुझे लगता है कि ये आपसे आपकी हर बात जानना चाहते हैं। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि जैसे प्याज है कोई, उसकी परतें होती हैं, कोई फूल है उसकी परतें हैं, तो इनकी भी बहुत सारी लेयर्स है। जितना अंदर जाओगे आपको ऐसी ऐसी बातें पता चलेंगी जो शायद आपको इससे पहले पता नहीं थी। ऐसा लग रहा है कि ये इंसान अपने अंदर बहुत सारे राज दफन किए हुए हैं जिसके बारे में शायद आप अभी नहीं जानते हो। ऐसा लग रहा है कि अगर आप ध्यान से देखोगे और सेंस करोगे, ये इंसान पूरी तरीके से रेडी है, पूरी तरीके से रेडी है हर चीज़ को कवर अप करने के लिए, हर चीज़ को दफनाने के लिए और हर चीज़ को हेर फेर करने के लिए। ऐसा क्यों लग रहा है? इस पर्सन की करंट एनर्जी कह रही है कि अगर ये आपके पास आएंगे ना, ये पहले से ज़्यादा पॉजिटिव होके आएंगे। ऐसा लग रहा है कि ये आपके बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं, सब कुछ। बहुत सारे चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, इनफैक्ट सही वर्ड ये है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि देखो पता है ये कैंडल ऐसे हो रही है, ऐसा लग रहा है कि मेरे राज मत खोलो, पहले से उनको मत बताओ। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझसे कोई कह रहा हो कि पहले से इनको सचेत मत करो। अब मैं बता ही देती हूँ आपको, ऐसा लग रहा है कि ये सबसे पहले आपका फ़ोन उठाएंगे और आपका फ़ोन चेक करेंगे, ना जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि इनको आपका फ़ोन चेक करने का बहुत मन है, या हो सकता है कि पहले भी ये ऐसा करते हों तो इनकी आदत लग गई है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इन्होंने आपसे आपके सारे सोशल साइट के पासवर्ड भी मांगे हों और ना देने पे इस बात पे बहुत अनबन हुई है, बहस हुई है, आप पर हो सकता है शक किया गया है और हो सकता है कि आपके कैरेक्टर पे भी बात आई है, और बात छोटी सी है वो भी जानते हैं, पर उनको आपको ये था कि थोड़ा सा स्पेस देना चाहिए, थोड़ा ट्रस्ट करना चाहिए। आप खुद भी दिखाने के लिए रेडी थे कि ये लो मेरा फ़ोन, मेरे सामने ही देखो। पर मुझे लगता है कि ये पर्सन आपको इमोशनली ब्लैकमेल करते रहे हैं ये बोल के कि अगर कुछ गलत नहीं है तो छुपा क्यों रहे हो, अगर तुम अपनी जगह साफ हो तो फिर लो दे दो पासवर्ड। हो सकता है इन्होंने आपको बहुत भरोसा दिलाया हो कि ये कुछ नहीं करेंगे, ये कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, दे दो दे दो दे दो। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस टॉपिक पे बहुत आर्ग्यूमेंट हुई है, इसीलिए ये पर्सन करेंटली फील कर रहे हैं कि ये आपके पास आना भी चाहें पर आप
आप अपनी मनमानी चलाते हो क्योंकि आपको पार्टनरशिप में रहना नहीं आता। ऐसा लग रहा है कि आपके बारे में अगर बात हो रही है, जैसे कि मैंने बोला कि ये अगर किसी सेलिब्रेशन में है या इनके घर पे कोई अगर जानता है, ठीक है, आपके बारे में, तो ये शायद हो सकता है बोले कि आप दोनों के बीच में ट्रस्ट इश्यूज थे इसी वजह से। और हाँ, आप ना शक्की टाइप के हो और आप ट्रस्ट नहीं कर पाते हो किसी पे भी, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि ये बोल रहे हैं आपके बारे में इस वक्त, और ऐसा महसूस हो रहा है कि ये ना बोल रहे हैं कि आप बहुत अविश्वासी हो और आपकी ही आदतों की वजह से इस रिश्ते में इशू आया है। ऐसा क्यों लग रहा है कि ये आपको ब्लेम कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि इस ब्रेकअप का रीज़न आप हो? ऐसा लग रहा है पासिंग द बॉल, आप उन पर बोल रहे हो या आप पे बोल रहे हैं, तो ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है जहाँ पे दोनों ही एक दूसरे पे इल्ज़ाम मढ़ रहे हो, पर दोनों ही एक दूसरे का इल्ज़ाम लेने का ज़िम्मा नहीं ले रहे अपने सिर, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं ले रहे हो। ऐसा लग रहा है कि दोनों के बीच में ये चीज़ तब शुरू हुई है जब यहाँ पे दूसरे ऑप्शंस की एंट्री हुई है, ठीक है, दूसरे ऑप्शंस की एंट्री हुई है। मुझे लगता है कि आपके पर्सन अपने आसपास वालों की बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं। अगर इन्होंने कहीं कोई चीज़ देख ली और इनको लग गई कि इनको भी करनी है, तो इन्होंने आपकी बहुत परीक्षाएं ली हैं, बहुत परीक्षाएं ली है। ऐसा लग रहा है कि अगर किसी ने बोल दी, कोई और भी कपल है इनके ग्रुप में या आसपास में, और कोई अगर रंगे हाथों पकड़ा गया है गलती करते हुए, या किसी ने किसी को चीट किया है, तो इस पर्सन के मन में आपको लेके वो भी शक आ जाता है। तो ये जो भी टेस्ट है ये आप पे भी आजमाने लगते हैं। मैं देख रही हूँ ऐसा बहुत बार हो सकता है आपके साथ हुआ हो, बहुत बार हुआ है। तो ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन उस चीज़ को बहुत अलग तरीके से देख रहे हैं, और अगर कोई इंसान नहीं दिखाना चाहता तो ज़बरदस्ती करना तो सही नहीं है, पर उस चीज़ को ये बता रहे हैं कि कैसे कैसे आपने इनकी बात नहीं मानी, किन किन चीज़ों की वजह से दोनों के बीच में दरारें आई हैं, ठीक है। दूसरी बात, ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है ये केयर करते हैं, लेकिन इनको चाहिए कि इनकी बात को मानी जाए, इनको चाहिए कि इनका हुक्म सुराखों पर रखा जाए, वरना इस पर्सन को लगता है कि आप इनके हाथ से निकल गए हो। करेंटली मैं देख रही हूँ अगर आपके बारे में बातचीत तो हो रही है, बात हो रही है किसी से, तो आपके सारे राज खोले जा रहे हैं इस वक्त, ठीक है। मुझे लगता है कि प्राइवेसी को लेके भी यहाँ पे बात हो रही है कि आपने कुछ ज़्यादा ही प्राइवेसी रखी है, आप पार्टनरशिप निभा नहीं सकते, इसीलिए इस रिश्ते में इतनी अनबन आई है, इसीलिए रिश्ते में दरार आई है, क्योंकि कहीं ना कहीं यही रीज़न है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते हो। अपनी गलती तो ये बिल्कुल भी नहीं बता रहे हैं, इनके फ़ोन में क्या राज छुपे हैं वो तो ये बिल्कुल भी नहीं बता रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। एक रीडिंग है जो आप सभी ने बहुत पसंद की थी कि आखिरकार इनके फ़ोन में ऐसा क्या छुपा है जो ये आपको छुपाते हैं, क्योंकि आपको भी पता होगा कहीं ना कहीं इनका फ़ोन ही इनके, मतलब कहते नहीं, एक पूरे काली करतूतों की लिस्ट मिलेगी। तो बहुत डिटेल रीडिंग थी, बहुत बहुत पसंद आई आप सभी को, बहुत लोगों के साथ रेजोनेट हुई। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं देख लूँगी, डाल दूँगी। अगर आपने वो रीडिंग नहीं देखी, मैं सीरियसली बोल रही हूँ, आप बहुत पछताओगे, लिटरली बोल रही हूँ, आप देख लेना एक बार वो रीडिंग, फिर आके इसके नीचे कमेंट करना कि वो रीडिंग कैसी लगी। पर आपने सीरियसली नहीं देखी तो आप बहुत पछताएंगे, मैं आपको लिटरली बोल रही हूँ। आप खुद देख के आके भी मुझे बताएंगे, यस मैम रीडिंग बहुत अच्छी थी, ठीक है। तो उसमें बहुत मेडिटेशन करने के बाद वो रीडिंग मैंने बनाई थी, और बहुत जनरल रीडिंग थी, लेकिन फिर भी बहुत लोगों के साथ वो रेजोनेट हुई है। चलिए देख लेते हैं ज़रा इस वक्त आपके पर्सन का क्या हाल है। मैं कार्ड्स ले आती हूँ, क्या महसूस कर रहे हैं।
रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू आर अवेयर ऑफ द पावर ऑफ योर थॉट्स एंड द अमाउंट ऑफ लव यू एक्सप्रेस। देखो, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को पता है कि अगर ये जो है ना अपनी अपने थिंकिंग को चेंज कर दे आपके लिए, तो अगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले कि जो सच में हुआ था, तो इस रिश्ते में बहुत इम्प्रूवमेंट हो सकती है। ठीक है, और यहाँ पे कार्ड्स हमें बता रहे हैं कि इस पर्सन की एनर्जी शिफ्ट होगी ज़रूर आने वाले टाइम में। इस पर्सन की एनर्जी बहुत शिफ्ट होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे कार्ड आया है विलिंगनेस। ये पर्सन चाहेंगे, देखना आने वाले टाइम में ये चाहने लगेंगे कि ये इस एनर्जी में आ जाए जहाँ पे ये सब कुछ चेंज करना चाहेंगे, और उसी समय देखना ये आपसे बहुत फ्रेंडली बिहेव करने लग जाएंगे। ठीक है, दोनों नो कॉन्टैक्ट में हो तो यहाँ पर पूरे पूरे चांसेस है कि आप दोनों का जो कॉन्टैक्ट शुरू हो वो फ्रेंडशिप से शुरू हो। फॉरगिवनेस, सबसे पहली बात, ये पर्सन आपसे माफ़ी चाहेंगे। ठीक है, मुझे लगता है कि ये पर्सन अपने किए के लिए बहुत ज़्यादा पछताने वाले हैं आगे की ओर। यहाँ पे रिग्रेट मुझे नज़र आ रहा है। एक्सप्रेशन देखो, बहुत ही मतलब यू नो कोलैबोरेटिव कार्ड्स हैं। ध्यान से देखोगे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, इस रिश्ते को चलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे कि हाँ, अगर मैंने अपने माइंड को चेंज किया, जो एक्चुअल में हुआ उस हिसाब से देखा, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा दोनों के बीच में चेंज हो सकती है। दूसरा, ये चाहेंगे चीज़ों को चेंज करना इसीलिए क्योंकि ये आपके साथ बहुत फ्रेंडली होना चाहते हैं, क्योंकि ये आपके साथ एक नया कनेक्शन फॉर्म करना चाहते हैं, और माफ़ी मांग के ये एक्सप्रेस करेंगे कि इनसे क्या गलती हुई है। तो यहाँ पे मुझे एक तरीके का कन्फेशन नज़र आ रहा है। ये कार्ड गिर गया था, कन्फेशन। डिटैचमेंट, जितने भी ओल्ड पैटर्न्स है, देखो ये था ना रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर ये लेते हैं, और जितने भी ओल्ड पैटर्न्स है जो आप दोनों को परेशान करते हैं, ओल्ड मेमोरीज है, मुझे लगता नहीं है कि अगर आपने प्राइवेसी को लेकर मतलब अपना स्टैंड लिया है तो कुछ गलत किया है। तो इस पर्सन को ज़रूरत है अपना नज़रिया चेंज करने की, जो आने वाले टाइम में होता हुआ नज़र आ रहा है। पुरानी चीज़ों से डिटैचमेंट होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप दोनों एक दूसरे को समझ पाओगे, एक दूसरे का स्टैंड समझ पाओगे। ठीक है, फिर भी दोनों के बीच में ट्रांसपेरेंसी भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलो, हॉटिनेस, मुझे लग रहा है कि बहुत यहाँ पे ऐसा लग रहा है किसी को आफत आ रही है और वो रुक नहीं पा रहे हैं। वाइफ़, देखो वाइफ का कार्ड आ गया है, नो डाउट ये आपको अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हैं। डेथ का कार्ड, पुरानी एनर्जी का चले जाना, पूरी तरीके से कन्फर्मेशन मिल गई है। पुरानी एनर्जी का चले जाना, बहुत सारी चीज़ें जो दोनों को परेशान कर रही है, जैसे कि कुछ ऐसी हैबिट्स है, चलो मैं कार्ड से ही पूछ लेती हूँ, कॉन्स्टेंसी, कुछ ऐसी हैबिट्स है जैसे कि आपको ऐसा लगता है कि ये कोई भी चीज़ है ना उसको मेंटेन नहीं कर पाते, और फिर ये गलती करते हैं, फिर ये माफ़ी मांगने आते हैं। तो आपकी ये कंप्लेन है, मुझे लग रहा है उस कंप्लेन की वजह से आपको बहुत प्रॉब्लम हुई है। ठीक है, और जैसे मोर होते हैं ना बहुत चंचल, ये पर्सन बहुत चंचल माइंडेड है, इसीलिए इनका ध्यान इधर से उधर इधर से उधर जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें ये कर देते हैं, फिर बाद में रियलाइज़ होता है कि नहीं यार, मैंने सामने वाले को हर्ट कर दिया क्योंकि ये चीज़ गलत थी। तो ये मुझे लग रहा है कि यहाँ पे इम्प्रूवमेंट होगी, और आपकी जो कंप्लेन है कि ये कंसिस्टेंट नहीं रहते, मुझे लग रहा है कि डेथ का कार्ड मतलब जो पुरानी आदतें हैं वो कहीं ना कहीं चेंज हो रही है। मनी का कार्ड आ गया है, अबंडेंस, मुझे लग रहा है कि अभी तक इन्होंने आपको कुछ भी कभी खरीद के नहीं दिया है अगर, तो शायद यहाँ पे भी कुछ चेंजेस होने वाले हैं। और ओके, न्यू चेंजेस, न्यू बिगनिंग, मतलब कि जैसे तितली देखा होगा पहले कैसे होती है, पहले मतलब कैटरपिलर टाइप की होती है, मतलब वैसे वैसे होती है ना, एक ऐसे इंसेक्ट जैसी होती है, फिर वो चेंज होती है, धीरे धीरे पर निकलते हैं, फिर वो खुले आसमान में उड़ती है, फूलों पे बैठती है। तो आपका रिश्ता भी कुछ इसी तरीके से है, बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न से गुजरा है। जितने ज़्यादा मुश्किल है उतना ही एक दूसरे के करीब, उतना ही एक दूसरे के बारे में सोचोगे, उतनी ही कमी महसूस करोगे, उतनी ही एक दूसरे की वैल्यू समझ आएगी। तो कहीं ना कहीं आपके लिए सेपरेशन बहुत फ़ायदेमंद रहा। जी हाँ, वाइफ के कार्ड से कंफर्म हो गया है कि ये अपनी फैमिली में आपको इंक्लूड करना चाहते हैं। यहाँ पे एक छोटा बेबी भी है, आप समझ रहे होगे। विडोवर, पुरानी एनर्जी गई, दोनों के बीच में कोई था तो उसकी भी एग्जिट हो गई है, तो उससे आपके पर्सन पूरी तरीके से मुक्त है। यहाँ पे इस वक्त कोई थर्ड पार्टी नहीं नज़र आ रही है। मेलनकली, आप थर्ड पार्टी को लेके बहुत ज़्यादा परेशान रहे हो, ये चीज़ मुझे समझ आ रही है। दुखी रहे हो, आपको लगा कि अब आपका कोई चांस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ थर्ड पार्टी यहाँ पे राज कर रही है, तो ये आपकी गलत फहमी है।
मुझे लगता है कि आपको पुरानी एनर्जीज़ को लेट गो करने की ज़रूरत है और यहाँ पे न्यू एनर्जीज़ को वेलकम करने के लिए रेडी हो जाइए। चलिए अब इस रीडिंग को यहीं कंक्लूड करते हैं। रीडिंग कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। इस रीडिंग को प्यार देना मत भूलिएगा और मैंने बोला है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी, उसको तुरंत देखना इस रीडिंग के बाद, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल। बाय बाय।